गर्ल फ्रेंड और ये सब एक साथ में रहते थे। मैंने कहा कि ऐसे में या तो विवाह करके रहोगे तो उम्र जारी और जियो ने कभी अपनी पत्नी को मत छोड़ना पत्नी को मत और वैदिक रीति से मंत्र पढ़ करके उनको practically I don't try to realize this fact that Krishna is always thinking. Always see Krishna and Radhika. They are keeping like this. Whatever you did in the last time, that I have not lost my friends, that I have used the service. Second. To the temple with Amal Krishna Prabhu, and they were distributing my heartfelt blessings until they were surrounded by many devotees and kicked out. Temple. Outside the temple gate. But yet. Yet. Kishan is coming. Kishan. Kishan. Amal Krishna's brother. He's coming with family. All are coming. All are coming. मैं पार्क में से आता तब तक ये लोग कितना आरंभ करें। अच्छा नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना। गुरुदेव दया करके
करुणानिधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तो करुणा बरसाओ तुम करुणा पार लगा देना मेरी नाव भमर झोले उसे पार लगा दे गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना माला जपूं तेरी मेरे दोस्त भुला देना नित माला जपूं तेरी मेरे दोस्त भुला देना गुरुदेव दया करके मुझे को अपना लेना संत का सेवक हूँ गुरु चरण का दास हूँ मैं संत का सेवक हूँ गुरु चरण का दास नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ नहीं नाथ इस जग में अकेला इस जग में अकेला हूँ इस जग में अकेला
तेरे द्वारे का भिखारी हूँ, नहीं दिल से भुला देना, तेरे भिखारी हूँ नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके को अपना लेना, गुरुदेव साउंड साउंड मुझको अपना लेना। मैं शरण परा तेरी चरणों में जगा देना, मैं शरण परा तेरी चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय श्री कृष्ण चैतन्य गोविंद राधे, सुने मेरो श्याम देखो बंसी बजा भयो, बोलिए बोलिए मुरली बजा बद भयो, ताहुने घनो श्याम देखो मुरली बजा भयो, ताहुने मेरो पलना में झूलत भयो, श्याम देखो बंसी मुरली बजा बद भयो, राधे तेरो श्याम नंद गावन में देखो, राधे तेरो श्याम हो राधे बंसी बजा बद भयो, काहुने मेरो श्याम देखो राधे तेरो श्याम गोवर्धन में देखो, राधे तेरो श्याम हो राधे गिरिवार उठा बद भयो, काहुने मेरो श्याम देखो बंसी बजा बद भयो, बिर बोली जी ने मेरो श्याम देखो, राधे तेरो श्याम आए राधे तेरो श्याम जमुना तट पे देखो, राधे चरा बद भयो काहुने मेरो श्याम को, सैया चरा बद भयो काहुने मेरो श्याम,
बाबज भयो काहू तो श्याम दे ओ बंसी राधे तेरो श्याम बरसाने में देखो राधे तेरो श्याम हो राधे तेरो श्याम वृंदावन में देखो राधे राधे तेरो श्याम वृंदावन में देखो देखो राधे तेरो श्याम वृंदावन राशि रचावत भयो कहुने ने मेरो हाँ बंसी बजावत भयो कहुने मेरो श्याम देखो बंसी बजावत भयो हाँ मुरली बजावत भयो कहुने घनो श्याम देखो मुरली काहुने घनो श्याम देखो काहुने घनो मारे घर कीर्तन में हमारे घर कीर्तन में We'll be right back.
ना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में They don't know in the meaning or words, but even they are very good. Namami Dandi Varam. का आदि स्वयं अनादि सब कारणों का कारण समस्त भगवत्ता का सार नंद नंदन का वो लड़का श्री कृष्ण जी उसको यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं कैसे कैसे प्रणाम कर रहे हैं हाउ ही इज डूइंग प्रणाम यू शुड नोट इन योर हार्ट By this Srimati, hearing this Srimati Radhika will be so pleased. इसको सुन करके राधा जी बड़ी प्रसन्न होंगी कृष्ण की सेवा देने के लिए राधा जी के सिवा और कोई नहीं केवल कृष्ण का भजन करने से नहीं होगा विल नॉट कृष्ण भजन विल नॉट टू अलोन एनी थिंग इफ Srimati Radhika इज नॉट देयर बट इवन राधिका इज देयर ओनली अलोन शी कॉल कृष्ण एट वंस इसलिए राधा जी का भजन करना जरूरी है नहीं तो ब्रज भजन फीका पड़ जाएगा डोंट गेट दिस नो नो अरे देव ना नमामि नंदनंदनम नमामि नंदनंदनम नमामि चारुबकमण्डलम् सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् सनम् नमामि नन्दनन्दनम् 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 अनङ्गकोटिमोहनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनम्
तुम्हारी होए गई। बोल वृंदावन
तो तेरी हो गई श्याम, दुनिया क्या जाने living in Vrindavan Seva Kunja. So she is singing the song of Vrindavan. Yeh Vrindavan ki nivasini hai. Asal mein yeh hai Vrindavan ki. Delhi rehti hai kuch din ke liye. Kintu hai Vrindavan ki. This song is so sweet. And it seems that it has been told by Mirabai. No? You know, Mirabai, very good devotee, chaste devotee in India, all know. She has given her heart to the lotus feet of Krishna. From boyhood he was not involved in material things, desires and all these things. His father also was like that. And he gave marriage to her daughter to any very big king in Rajasthan. Rajasthan, you know, in
all fighters. And they are in the dynasty of Ram, Suryavanshi. So he came there with his husband. But his husband was opposite to this. He was warning and warning again and again. Then don't collect sadhu and don't be in their association. You are now not a girl. You are queen now. So if sadhu will come here, naked sadhus, then it will be some against our things. Aristocrats. But she was singing this song. Mere to Giridhar Gopal, dusaro na koi. And he, when she was using to do song, in this on his Veena, Veena you know? Violin. Krishna used to come and sing on his flute, very melodious. His husband from outside he went, was watching and guarding, and oh, who has come here? He used to knock the door. But Meera was in, not in sense, wo sense mein nahi rehti thi. Sharir ki tan man ki sudhi bhulkar, prem mein pagi hui, mere to Giridhar Gopal, mere to Giridhar Gopal. His husband told that, where is that person, your boyfriend here? No boyfriend here. Mirabai told that, yes, Shyam Sundar is here, you can see. But he was not seen. Anyone cannot see him if he has this physical body. And thinking that I am this body, material body. Having so many material desires, he cannot see and realize Krishna. Krishna is not far away. Krishna kahin dur nahi hai. हृदय में सर्वत्र रग रग में वो अणु अणु में परमाणु में सर्वत्र है. हमारा दुर्भाग्य है जो हम नहीं देख सकते. हम वृंदावन में दर्शन के लिए जाते हैं. वी गो टू वृंदावन टू टेक दर्शन ऑफ कृष्ण. एवरीवेयर राधे इज पात पात में राधे हो, वहाँ का पत्ता पत्ता. इवन द लिप्स ऑफ ट्रीज एंड क्रीपर्स दे टेल लाइक राधे राधे राधे. चौकीदार्स ऑल्सो इन नाइट, चौकीदार भी रात में क्या कहते हैं, राधे राधे. अब तो मथुरा में बिगड़ गई कुछ. मथुरा में ऐसा सब नहीं है, किंतु वृंदावन में अभी भी कुछ कुछ है. एवरीवन टेलिंग लाइक राधे 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 राधे, नॉट कृष्ण सो मच. दे नो कृष्ण एज ए चीटर, ऑलवेज टेकिंग ऑल अदर्स हार्ट इन हिज पॉकेट, इन हिज हार्ट. But Srimati Radhika is so saral. Simple and kind hearted. Simple heart. Bahut hi saral hai Radhaji. Bahut. Kintu Radhaji saral hone par bhi aisi hain jo Krishna ko bhi apni pocket mein rakh sakti hain. Unke chitt ko bhi chori kar leti hain. So, in this song, she has sung. She has sung that song. Shyam, I have become yours, whether world knows or no. I don't care for this. Duniya kya jane? Hamare man ki bhavnaon ko duniya kya samjhegi? Wo to sansarik saundarya mein, sansarik cheezon ke andar mein wo kamna mein pade hue hain, phase hue hain. Maranshil rakt aur mans ki thaili mein वो लगे, वो कृष्ण को क्या समझें. श्याम आई हैव बिकम योर्स, वेदर वर्ल्ड नोज आर नॉट, आई डोंट केयर फॉर एनीवन. सभी डिवोटी ऐसे ही होते हैं. सारे कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए भक्त लोग भी ऐसे होते हैं.
वृंदावन ऐसी नगरी है जहाँ पर कि देश विदेश के छोटे छोटे सुंदर सुकुमार राजाओं के लड़के भी, ये सब हमारे बच्चे भी, माता पिता भाई बंधु सबको छोड़ करके कृष्ण नाम में तन्मय हो रहे हैं। कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कोई चिंता नहीं है घर बार और इसकी। यू नो दैट वृंदावन, व्हाट इज वृंदावन? अबोड ऑफ ऑल द डिवोटीज हु हैव गिवन अप देयर फादर मदर्स वाइफ चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग वेल्थ लाइक ए स्ट्रीट पेगर। वो भिखमंगों की भांति में वहां पर घूमते हैं, किसी से कुछ मांगना जुंगना भी नहीं, अपना कोई घर भी नहीं है, नॉट ए रूम, नो हट एट ऑल, इवन नॉट हॉल, दे स्लीप इन दी स्ट्रीट्स, वनों में विचरण करते हैं, गलियों में सो जाते हैं, जहां कहीं भी सो जा, घूमे कहां, नींद नहीं आती, कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते हैं। जीवन इनका सुखमय इतना अधिक है, ये विश्व ब्रह्मांड का सारा वैभव मिला करके भी जो सुख नहीं दे सकता वो वृंदावन में सुख है। वैसे में कहीं से माँ धोकरी रोटी मिल गई, ऐसी जैसी मैया हैं वहाँ पर बहू, उनका काम ही है रोटी देना संतों को, जिसको माँ धोकरी कहते हैं। देर आर सो मैनी मादर्स लाइक हर इन वृंदावन, दे यूज टू गिव माँ धोकरी, यू नो माँ धोकरी ब्रेड, नॉट फुल ब्रेड, हाफ वन फोर्थ, एंड दे आर सेटिस्फाइड विथ दैट, doing chanting, remembering Krishna, not sleeping, Radhe 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 Radhe. So I become of Shyam, whether world knows or not, I don't care for whether my husband will keep me in my house or not, he will kick me, हमारे पति हमको घर में रखेंगे या नहीं रखेंगे इसकी भी परवाह नहीं। इसलिए मीराबाई जी का वो बहुत सुंदर कीर्तन गाया, अब हम लोग एक महा यू शुड डू वन महामंत्र एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर। इन ए गुड ट्यून, हरे कृष्णा जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनम् गौरतिशे। भगवान की कृपा से हम लोग वृंदावन मथुरा से प्रचार के उद्देश्य से पहले हॉलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा इत्यादि पश्चिमी देशों में होते हुए फिर वहाँ से अब दूसरी बार हम लोग पूर्वीय देशों में
Malaysia, Australia, Bali, Indonesia, Bali, और इसके बाद में सिंगापुर में आए हुए हैं. I will have to translate और हिंदी में ही बोलें. But I think that all English knowing. तो हम लोग But I think that anyone translate also in English again. But I'm telling something in Hindi and after that we will translate. हमारे प्रचार का उद्देश्य क्या है कि हम लोग सभी सूख जाते हैं. My object of coming in all countries and preaching is that we want happiness of life. हम लोग चाहते हैं शांति और सुख. कोई भी विश्व में ऐसा प्राणी नहीं है जो सुख और शांति नहीं चाहता. An entire world, universe, not a single person, what to tell of person, creepers, trees, all the insects, wild beasts, they also want peace and happiness. वो सभी सुख और शांति चाहते हैं. बचपन में हमें कुछ लिखो जो उनको बतलाना है. मैं तो कहा जब भूल गया. नहीं नवीन जी बोलेंगे, तुम उसको भी लगाओ. आ जाओ बेटी, इधर में बहुत जगह है, खाली जगह है, आप लोग आ जाओ. आओ जाओ इधर में. तो संसार में सभी सुख और शांति चाहते हैं, किंतु यह परम सत्य है कि शांति चाहने और सुख चाहने से ही शांति और सुख नहीं आ जाता. वी ट्राई, वी वांट, बट ओनली वांटिंग विल नॉट डू. एनी वन इन दिस वर्ल्ड इज नॉट हैप्पी रियली. इस जगत में कोई शांति पूर्वक नहीं और सुख से नहीं है. और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए. ये अभी नहीं, युवावस्था में नहीं मालूम होगा. जब उम्र ढलने लगेगी, बैठी तुम भी बैठ करके सुनो. अभी कोई जरूरत नहीं है इधर उधर हिलने डुलने की. हमारा ये आध घंटा का समय है, इसमें सुनना. प्यास की भी जरूरत नहीं. परीक्षित महाराज जी ने पानी भी छोड़ दिया सस आदमी, खाना पीना सब. तो हम लोग 5-10 मिनट 20 मिनट के लिए सभी छोड़ेंगे. परीक्षित है, लेफ्ट हिज ड्रिंकिंग वाटर एंड एवरीथिंग, सो वी कैन गिव अप ऑल दीज थिंग्स. तो चाहने से सुख शांति नहीं आ जाएगी. बचपन में भले ही युवावस्था में आपको नहीं मालूम हो, किंतु दुख जरूरी है. दुख आते हैं और जबरदस्ती सिर पर चढ़ करके भोगा लेते हैं. बुढ़ापा आएगी और आप नहीं चाहेंगे तभी आपसे लगेगी, जरूर आपसे ब्याह करेगी वो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो. झुर्रियां पड़ जाएगी गालों में, केश पक जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, घर भरा रहेगा किंतु आप कुछ हजम नहीं कर सकते. उस समय किसी चीज का, फलों का रस भी हजम नहीं होगा. यू विल हैव टू बी ओल्ड. इट इज ट्रू. आई डोंट नो दैट गॉड इज ट्रू आर नॉट. भगवान है कि नहीं, ये तो पीछे की बात रहे, सत्य है कि नहीं.
किंतु यह जरूर सत्य है कि मृत्यु जरूर अवश्यंभावी है. डेथ इज शॉर्ट और वो जरूर आएगी. मरेंगे हम जरूर और दुख भी जरूरी है भोगना. बुढ़ापे का दुख यदि बच गए तो जरूर होगा. कंट्री कंट्री में लड़ाई, दूसरे देशों विदेशों में लड़ाई हो रही, घर घर में. पहले जो नहीं था अब इस समय में स्त्री और पत्नी में भी, पति और पत्नी में भी अब लड़ाई हो रही है. पाश्चात्य देशों में तो सब समय देखा जा रहा है. दो दिन भी दुनिया नहीं बसी. हमारे चार्ल्स इंग्लैंड के डायना को चलांजलि दे दिया ना. कोई भी सुखी नहीं. इसलिए संसार का कोई भी चीज हमें सुखी नहीं कर सकता है, मृत्यु से नहीं रोक सकता. एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, लैक्स एंड लैक्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स साइंटिस्ट कैन नॉट चेक और डेथ सफरिंग एंड सॉरी एंड ऑल्सो ओल्डनेस दे कैन नॉट चेक. कभी नहीं हो सकता. विश्व ब्रह्मांड का जितने सन्यासी हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, बड़े बड़े लोग हैं. संयुक्त राष्ट्र इसीलिए बना. संयुक्त राष्ट्र का यूएनओ कुछ भी ना सॉल्व नहीं हो रहा है. इसलिए ये जरूर भोगने पड़ेंगे हमें. इसको भी चिंता करो, मृत्यु आएगी, दुख आएंगे. संसार का कोई भी वैभव हमें नहीं बचा सकेगा बुढ़ापे से. इस चीज को सोचो. कल बुढ़ापा दौड़े दौड़े आ रही. ओल्डनेस इज कमिंग रनिंग. इसलिए हजार चेष्टा करने पर भी सुख शांति नहीं मिलती. क्यों? दुनिया का यह एक प्रॉब्लम है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑल यूनिवर्स. What is the problem? Now, this was problem also in the beginning, at the time of Hiranyakashipu. Prahlad ji ke samay mein bhi tha. Ramchandra ji ke samay mein bhi aaya. Aur Chaitanya Mahaprabhu ka 500 varsh pehle bhi aaya. Abhi bhi wo problem hai. Ye rahega. Sansar karagar hai. Jail khana hai. This world is like a prison. All have been prisoned by Maya. हम सब ये संसार जो है कारागार है, माया का कारागार. जो भगवान का भजन नहीं करेगा, जिसने जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, और जो उनका भजन नहीं करेगा, इस कारागार में बंद कर दिया गया. और वहां की हथेकड़ी बेड़ी क्या है? ममता. मैं और मोर तोर तय माया. ये मेरी पत्नी है, मेरी पति है, ये मेरा बेटा है, ये बेटी है. ये सब जो नाते हैं, जो ममता है, यही बेड़ी और हथकड़ी है जो कहीं नहीं जाएंगे. मतलब माइनस, दिस इज माइन हस्बैंड इज माइन, आई एम हिज वाइफ, द चिल्ड्रन आर माइन, दिस आर दी हम कहीं कोई बांधने की जरूरत नहीं है. कोई रस्सी और हथकड़ी बेड़ी की जरूरत नहीं है. यही ममता है. एक जन्म ही, कोटि कोटि जन्म से हम इसको संसार में घूमे. नॉट फॉर ओनली वन बर्थ, बट लैक्स एंड लैक्स अनकाउंटेड बर्थ्स वी आर गोइंग हियर एंड देयर एंड अगेन कमिंग. यह मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम आत्मा को जान करके, परमात्मा को जान करके, भगवान को जान करके उनसे प्रेम कर सुखी रह सकते हैं. और यह जन्म यदि चला गया फिर नहीं होगा. न जाने कहाँ हम फिर जन्मेंगे. कोई ठीक नहीं. अभी हम जो काम कर रहे हैं, कर्म जो कर रहे हैं, इससे मनुष्य जन्म और फिर मिलने की संभावना नहीं है. ये समझो क्या कर रहे हैं हम. खा पीर करके मौज कर रहे हैं. कभी कभी जानवरों का मांस भी, मछली मांस, अंडे फंडे सब अंट संट खाते हैं,
भगवान को कभी एक दिन के लिए भी नहीं है प्रार्थना, प्रभु आपने ही हमें सृजन किया, बनाया, पैदा किया, आपके प्रति हमारा यह कर्तव्य है। कभी एक कीर्तन कर लिया, कभी नहीं भी किया। कृष्ण हैज गिवन दिस वेरी यूजफुल बॉडी, ओनली इन दिस बॉडी वी कैन प्रे हिम एंड वी कैन नो व्हाट इज आत्मा परमात्मा, व्हाट इज लव एंड अफेक्शन। एंड इफ यू हैव इसको यूजलेस वी हैव स्पेंड मिसयूज इट, देन इट इज नॉट सर्टेन दैट एवन यू विल बी इन एनी बर्थ दिस और नॉट। कोई जरूरी नहीं है कि अब इसके बाद में मनुष्य जन्म होगा, इस चीज को गांठ बांध करके रख लो। इसलिए मनुष्य जन्म को सार्थक बनाना है। अभी हमने बेटे जी से सुना, क्या नाम उनका, हाँ दाऊद दयाल गुप्ता बेटे मेरे, इनसे सुना कि यहाँ की गवर्नमेंट हेल्थ पर बहुत कुछ दृष्टि रखती है, अलग से मिनिस्ट्री एक है उसके लिए ना? इस तरह से संसार को सुखी बनाने के लिए आज का आधुनिक विश्व मिलित होकर के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग लगे हुए हैं इसके लिए। रसोई घर से लेकर मेडिकल डिपार्टमेंट तक इतनी उन्नतियां हुई हैं आजकल साइंस में, किसी का हृदय यदि गड़बड़ हो गया तो नया हृदय लगा देंगे, आँखें यदि खराब हो गई अंधे को तो दूसरे मरे हुए आदमी की आँख भी, ताजे मनुष्यों की आँख लगा लेते हैं, दिमाग गड़बड़ हो गया, यू आर अंडरस्टैंडिंग पर हर्स दे कैन चेंज ऑफ कम्युनिकेशन में इतनी उन्नति की कि अमेरिका से ठीक विपरीत दिशा में यहाँ पर हम लोग 24 घंटे के अंदर में, 8 घंटे 10 घंटे के अंदर में वहाँ से हम लोग चले आ सकते हैं, और घर में बैठे टीवी और इस सब के द्वारा हम देख सकते हैं कि वहाँ का प्रेसिडेंट खड़े खड़े क्या बोल रहा है, कहाँ क्रिकेट हो रहा है, कैसे कौन हार गया जीत गया, साथ ही साथ में वहाँ गोल हो रहे हैं और ये दिखाई पड़ती है, सारी दुनिया एक मुट्ठी में आ गई। अब विश्व पहले जैसा नहीं है, 6 महीने तक चलो तो फिर किसी देश में पहुंचो, कोलंबस के समय में या और मेगास्थनीज के समय में या उसके पहले में जो जबकि क्लाइव आए थे भारतवर्ष में और दूसरे जो आए थे उस समय जैसा अब नहीं, 6 महीने में जहाज़ों पर चलो 1 वर्ष तक तो किसी दूसरे देश में जाओ, आजकल मिनटों में वहाँ की चीज़ों को देख सकते हैं, दुनिया एक हो गई। साथ साथ में मेडिकल साइंस ने भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट में जिसमें उन्नति नहीं हुई, किस लिए, हमें सुखी बनाने के लिए, किंतु कोई सुखी और शांति से है ना, और प्रॉब्लम बढ़ता गया। देखो आज हम बिना पासपोर्ट और वीजा के यहाँ नहीं आ सकते, क्या प्रॉब्लम है, किस लिए, कोई पारमार्थिक प्रॉब्लम है, ये तो कुत्तों जैसा, जैसे कुत्ते लड़ते हैं ना, अपनी टेरिटोरी में दूसरे नहीं आने दे, घुसने दे देंगे, बस भोंकने लगेंगे, ऐसे ही सब जगह, एक ही देश में नहीं, न जाने क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसे हम सुखी हो सकते हैं, शांति हो सकती है, नहीं, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, नाउ दैट वी आर अनहैप्पी इन दिस वर्ल्ड, ओनली वन प्रॉब्लम इज देयर, वो प्रॉब्लम क्या है, समस्या है, हम भगवान को भूलते गए, समस्याएं बढ़ती गईं, और कोई दूसरी समस्याएं, इसने सारी लाखों समस्याओं का जन्म दिया। सुखदेव गोस्वामी, ही हैज नो क्लॉथ, नथिंग टू होस्ट, नेकेड बॉडी, अब नंगे शरीर के ऊपर में, नंगे के ऊपर में और डालने की क्या जरूरत, आत्मा के ऊपर तो ये मन बुद्धि अहंकार का एक शरीर, और उसके ऊपर में ये स्थूल क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीर,
इसके ऊपर में दो दो कपड़े पड़े हुए हैं, अब तीसरा और कपड़े डालने की जरूरत क्या है, ऐसा आत्मज्ञान है। यू नो सुखदेव गोस्वामी, यू डोंट नीड टू टेक क्लॉथ्स, ही थिंक्स दैट आत्मा इज देयर, आफ्टर दैट वन इज कारण, आप कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, सेटल बॉडी, एंड आफ्टर दिस ग्रॉस बॉडी, then how to, why to take all others, any cloth and all these things. So there is no problem for Sukhdev Goswami, जहाँ हैं वहीं पर भगवत का दर्शन करते हैं, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है संसार की, वो सुखी हैं। इसलिए भगवान से जितने हम दूर जाएंगे उतने ही दुखी रहेंगे, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके यहाँ आने से ही हम सुखी नहीं हो जाएंगे धनों में, एक दिन समस्या आएगी, बुढ़ापे हो जाएंगे, बड़े बच्चे हो जाएंगे, कहे पिताजी अब अपने देश में जाइए, हम लोग अब संभाल लेंगे, अब बड़े बड़े हो गए हैं, नहीं जाएंगे तो ऐसी समस्या पैदा करेंगे जिससे कि आपको जाना पड़ेगा, ये होगी जरूर। इसलिए ये संसार प्रॉब्लम की है, इस चीज़ को समझो, इसलिए हम आए हैं भारत पर से ये संदेश लेकर के। मैं जहाँ जहाँ भी गया, मैं पहले हॉलैंड में गया, इंग्लैंड में और फिर अमेरिका में, मेरा पहला ये रहता था वक्तृता हमारी, ये होती थी पहले, भाषण देता था, जब मैं दरिद्र भारत से नहीं आया, पैसे के लिए, रुपये के लिए, तुम्हारे पौंड और डॉलर्स के लिए नहीं आया, मैं तो एक ऐसे समृद्ध भारत से आया हूँ, ऐसी उसकी संपत्ति है, उसकी संस्कृति, यदि उसका एक कण भी किसी ने आस्वादन किया था उसका जीवन धन्य हो जाएगा। तुम लोग भी बेटी और हमारे लड़के, तुम लोग भारतवर्ष के उस संपत्ति वाले बड़े धनी देश से आए हो जहाँ पर सब समय संसार के सभी लोग अपना सर झुकाते हैं, अपने को दरिद्र मत समझो, अपने दरिद्र पिता के घर से हम आए हैं, बहुत धनी हैं। शंकर जी को देखती है ना, भगवान शंकर नंग धड़ंग कुछ नहीं, और उनसे जो मांगो वो दे देंगे, जाओ चाहो तो जीवन भी दे देंगे, नव जीवन का संचार कर देंगे। हनुमान जी को देखो, भगवान राम की सेवा में तल्लीन रहते हैं हनुमान, यू नो, हैविंग नो होम, नो डॉटर, सन्स, वाइफ एंड एनी वैभव, नो एपुलेंस, नथिंग, but he can give you all things. शंकर जी गले में मुंड माला पहनते हैं, इसलिए कि यह संसार का यही नतीजा है, उसके तरफ में मत दौड़ो। 16 की लंका हनुमान के एक पैर के ठोकर से कहाँ चूरमार हो गई ना, उसका घर ऐसा कोई नहीं था जो सोने का नहीं मढ़ा हुआ हो, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, तो अभी उनका पेट नहीं भरता था, सीता जी को चुरा लाया, मैंने एक नागिन को अपने गले में लटकाने के लिए ले आया, और कहा क्या हो गया ध्वंस, इसलिए वैभव सुख नहीं दे सकता है, संसार का कोई भी सुख नहीं दे सकता है, भक्ति भगवान की होगी तो वो सुखी दे सकती है, इस चीज को समझो। यू नो रावण हिज ऑल पैलेसेस ऑफ लैक्स लैक्स डेमंस वेर ऑफ गोल्डन, he has 1 lakh of son and 1.25 lakhs grandsons, also strong like thunderbolt, but Hanuman, he gave a push and he burnt whole Lanka in a moment. Lanka jal gayi na, keval Vibhishan sukhi rahe kyunki bhagwan ka bhajan karte the। इसलिए इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को मत भारतवासी हो करके, इस चीज़ को कभी मत भूलो कि हम भारतवासी हैं, हमारी संस्कृति इतनी ऊंची है। मथुरा में आने वाले बंसी बजाने वाले श्याम को मत भूलो, बस मन में उनको एक बार सवेरे भी प्रणाम कर लिया, जय कृष्ण आप मेरे हैं, बस इतना ही काफ़ी है, इतना करो तो कभी मत भूलो। ऐसा कोई दिन नहीं जाए सवेरे जिस दिन उस बंसीधारी को, बंसीवारी को प्रणाम न करो। राधा जी उनको भी कंट्रोल करने वाली हैं, इसलिए उनका स्मरण करो, जहाँ भी रहो, देश में, विदेश में,
कोई भी आपत्ति नहीं, जरा मांस मछली और शराब से बचे रहो, बस इन चीजों से बचे रहोगे तो तुम्हें शांति और सुख चुटकी बजाते ही आ जाएगा। किंतु उनका भजन करना जरूरी है। अंडरस्टैंड व्हाट आई टोल्ड? ए व्हाट आई टोल्ड स्पीक। क्या बोला जी, बोलो। So, Buddha is telling, don't forget Krishna in the moment. You are from Mathura, and Krishna play on foot in Mathura, Mathura Mandal, and that means in Braja Mandal. Please remember once at a time in morning, or at least. If you do so, then you never be faced any problem. You will be beyond problem. But you have to any on condition. Don't take eggs, flakes, wine, onion, garlic, etc. You have to leave all these things. Just like your forefathers, they never take all these things. Coming here, don't take, don't follow Western philosophy, Western culture. Then you'll be happy forever. तो मैं समस्या की बात कर रहा था। समस्या क्या है? जी हम लोग दुखी हैं, हमको बूढ़ा होना पड़ेगा और इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, हरा भरा संसार को छोड़ते रहना पड़ेगा। आप नहीं छोड़ेंगे, आपके बेटे नाती हैं ये छोड़ा देंगे। इसलिए सोचना चाहिए हम कहाँ से आए हैं, फ्रॉम वेयर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, फ्रॉम वेयर वी हैव कम, व्हाई यू हैव कम, व्हाई ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग and where we'll have to go. Sadhu Sant कहते हैं देखो हमारा धर्म प्रेम है, हम हिंदू धर्म के हैं, क्रिश्चियन धर्म के हैं, ईसाई बौद्ध, ये सब तो सामाजिक नियम एक हैं। असल में हमारा धर्म प्रेम है। कृष्ण इसी चीज को देने के लिए, राम इसी चीज के लिए जगत में आते हैं। हमें प्यार करो, हम तुम्हें प्यार देंगे। कृष्ण एंड राम हैज कम टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। दैट आवर रिलीजन इज नॉट हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन टू कम टुवर्ड्स कृष्ण और गॉड। अब रियल धर्म, हमारा अपना असली धर्म प्रेम है। कृष्ण वही ब्रज में आए जब बंसी बजाते थे, पशु पक्षी कीट पतंग हिरण तक अपने मुख कृष्ण के मुख के पास में ले जाकर के प्रेम की भिक्षा मांगते थे, सबको प्यार करते थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनके प्रेम में नहीं बह गया। ही यूज्ड टू लव ऑल and all used to love Krishna, and that is why he came for this. अभी हम देखते हैं क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, कुछ भी नहीं करते हैं किंतु उनमें प्रेम सब में कुछ न कुछ जगह जरूर रहेगा। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, बेटी को, भाई को प्यार नहीं करता। सिंह भी तो सिंहनी को प्यार करता है। We see that lion also loves his wife, children, monkeys, you know, ants, always in a group. We have seen in Vrindavan there are groups of monkeys. If you will, यदि उसको तुम कुछ करेगा, tease any monkey, one they will come
all together in group and attack. उसी तरह से सभी, इसलिए जगत का धर्म प्रेम है. यदि सुख संचय चाहते हो तो यह परस्पर प्रेम रखना पड़ेगा. अभी प्रॉब्लम क्या है, किसी पर किसी का विश्वास नहीं. आत्मधर्म तो समाप्त हो चुका है, केवल स्वार्थ भरा पड़ा है. हम अपने बेटियों को किस लिए पढ़ाते हैं, जो अच्छे लड़कों के साथ में शादी देंगे और हमारी समस्या दूर हो जाएगी. जब तक घर में लड़की रहेगी उनके सर पर बहुत बड़ा भारी भार. अपना पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा करते हैं. संसार में प्रीति बड़ी दुर्लभ है, स्वार्थ आज भरा पड़ा. आजकल लड़की का बैंक में अकाउंट अपनी लड़की के नाम से, बेटे का बेटे का, पति का और पत्नी सबका अलग अलग अकाउंट, बैंक अकाउंट. नाउ बिकॉज वी हैव नो बिलीफ ऑन एनी वन, नो फेथ, नो बिलीफ, नथिंग. दैट इज वाई देर आर सेपरेट अकाउंट्स ऑफ गर्ल्स, डॉटर्स, सन्स, वाइफ, हस्बैंड, फादर, मादर, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, अलग. पहले ऐसे नहीं था. इन एंशिएंट डेज नॉट लाइक दिस. देयर फेथ ऑल्सो इन कृष्ण, इन गॉड एंड टुगेदर ऑल्सो ईच अदर. इसलिए समस्या है कि आज हमारी आत्मा का जो धर्म है वो कुछ दूर हो रहा है, स्वार्थ आ गया है. जिस समय यह स्वार्थ दूर होगा, कैसे होगा, भगवान के प्रति यदि प्रेम होगा तो सब लोगों के प्रति प्रेम अपने आप आएगा. और भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, तो नहीं हो सकता. इफ यू हैव लव फॉर कृष्ण, फॉर गॉड, देन वी कैन ट्रस्ट ईच अदर, वी कैन लव ईच अदर. और यदि भगवान के साथ ही प्रेम नहीं है तो लाख तुम चेष्टा करो, सुख और शांति नहीं होगी. इस चीज को समझो. और कृष्ण को जानने से सभी कुछ ज्ञात हो जाता है, सब में प्रेम भर जाता है, बड़ा दयालु हो जाता है, उसमें सब प्रकार के गुण आ जाते हैं. अब इस चीज को मैं श्रीमद् भागवत से बतला रहा हूँ. नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस बाई भागवतम. यू नो नारद ऋषि, यू नो व्यास. आप लोग श्रीमद् भागवत में एक उपाख्यान है. सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को बतला रहे हैं. इसके भी मूल में ये चीज है. एक समय व्यास जी जब वेदों का विभाग कर लिया, उपनिषदों की प्रकाश कर दिया, महाभारत की भी रचना कर दी, वेदांत सूत्र भी लिखे, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 शाखा पुराण, 36 पुराणों की रचना की, उसमें हमारा धर्म क्या है, माता पिता के प्रति, स्त्री के प्रति, समाज के प्रति, भगवान के प्रति, सभी चीजों को उन्होंने बतलाया. एक दिन अपने आश्रम में गंगा के किनारे शाम में प्राश आश्रम में बैठे हुए थे. वंस व्यास हैविंग कंप्लीटेड हिज 4 डिवीजन ऑफ वेदास, ही हैज कंप्लीटेड वेदांत सूत्र, ही हैज कंप्लीटेड महाभारत, ही हैज कंप्लीटेड द राइटिंग्स ऑफ पुराण्स, लाइक 36 काइंड्स ऑफ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, और सब कुछ उन्होंने लिख लिया, कोई चीज बाकी नहीं रखा. किंतु अपने आश्रम में गंगा के किनारे बैठे हुए बड़े चिंतित थे. ही वॉज नॉट हैप्पी. वो कुछ चिंतित थे. विश्व का, ब्रह्मांड का जितना ज्ञान है उनके पास में है,
किसी चीज की कमी नहीं है, तो अभी चिंता कर रहे हैं हमारा जीवन सुखी क्यों नहीं, कुछ कमी मालूम पड़ती है। जैसे हम लोग भारतवर्ष से यहाँ आए, धन कमाया, अपनी एक नौकरानी को 25,000 रुपया महीना देते हैं, कितना देते हैं यहाँ गुप्ता जी? 18,000 सब मिलाकर के, गवर्नमेंट और टैक्स और घर और खाना पीना सब कपड़े लत्ते दे करके 18,000 पड़ता है। बतलाइए 18,000 हमारे यहाँ राष्ट्रपति को मिलता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। आकांक्षा पूरी हो गई कि और चाहिए धन? जब धन की पूरी हो गई इच्छा तो चलिए अभी भारतवर्ष में, किंतु नहीं, बहुत धन की ख्वाहिश, ले जाना क्या है इस पर विचार नहीं करते। इसी तरह से व्यास जी जो इच्छा करें, जो कहते हैं जैसे अभी चिंतामणि आ जाए, सोने का घर हो जाए, कृष्ण को दर्शन कर लूं, कोई भी चाहे तो वो हो जाएगा, कहने के साथ साथ में उनमें इतनी शक्ति है, भजन का बल है। किंतु आज बड़े दुखी हो रहे हैं। नारद जी आए, ही वॉज अनसेटिस्फाइड, दो ही कैन श्री कृष्ण ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज ही वॉज लाइक गॉड, शक्तावेश अवतार, ही कैन डू एवरीथिंग, बट येट ही वॉज अनसेटिस्फाइड एंड ही वॉज सिटिंग इन द हार्ट ऑफ नियर गंजेस एंड थिंकिंग व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड, व्हाट इज लैकिंग इन मी, बट ही कैन नॉट डिसाइड, वो नहीं सोच सके जे मैं किस लिए दुखी हैं। सुन रही हैं आप लोग ना, सुन खूब अच्छी तरह से विचार करना बेटी, विचार करना, तब तुम मथुरा की और भारत की बेटी। अब इतने में उनके गुरुजी आ गए नारद जी। इन द मेन टाइम नारद केम, ही गिव, उनके लिए उन्होंने आसन बैठने के लिए दिया और चरणों में पुष्पांजलि दे करके, आसन दे करके उनको बैठाया। ही गेव आसन टू नारद देव एंड ही टोक पुष्पांजलि एंड गेव इन हिज लोटस फीट। इसके बाद में जो अच्छी तरह से बैठ गए तो हाथ जोड़ करके उनके सामने, मैं क्या सेवा करूं, बता, व्हाट आई कैन सर्व यू, हाउ कैन आई सर्व। नारद जी ने कहा जे तू क्या सेवा करेगा, क्या सेवा करेगा, तुम तो अपने दुखी है, तुम्हारा चित्त चंचल है, मालूम होता है तुमको किसी चीज का अभाव है, तो हमारी क्या सेवा करेगा बतलाओ। कहे गुरु जी आप ठीक कह रहे हैं, न जाने क्या मेरे अंदर में ऐसी कुछ है जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर में किसी चीज का अभाव है। आप लोग तुम लोग समझना, घर में जा करके, आप लोग घर में बैठ करके, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं कि कुछ बाकी हैं, देखना मुझे कुछ भी पूरी नहीं हुई, कुछ भी अपनी मैया से पूछना ना, जो 100 वर्ष की हो गई मैया, 100 वर्ष रही और सारे वैभव तुम्हारे नाती परनाती सब कुछ है, तुम सुखी है? कहो बेटी मैं चल ही नहीं पाती, आंख से नहीं देखती, खा नहीं सकती, मैं बड़ी दुखी हूं। तो सारा जीवन क्या किया? ये समस्या है जगत की। उन्होंने कहा गुरुजी मैं नहीं समझता जी मेरे अंदर में क्या कमी है। ही टोल्ड दैट आई डोंट नो व्हाट इज द लैकिंग इन मी एंड व्हाट शुड आई डू, हाउ आई कैन बी हैप्पी फॉर एवर। बच्चे समझते हैं कि लिख पढ़ लेंगे, नौकरी कर लेंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे, बिजनेस करेंगे ठाट से, बड़े हो गए, पढ़ लिख लिया, कॉलेज की ट्रेनिंग पूरी, सब ठीक हो गई, रुपया भी कमाने लगे, घर में एक बीवी की कमी है। लड़कियां भी ऐसे सोचती हैं, सब कुछ ठीक हो गया, एक
अच्छा योग्य कोई पति मिल जाए। पति भी मिल गया, बेटा नहीं हो रहा, ना बेटी हो रही, बड़ी भारी चिंता लगी, जैसे बेटा बेटी में से कोई एक तो हो जाए। वो भी हो गया, किंतु हो गया बदमाश नंबर एक, बड़ी भारी समस्या। या बीच में वो मर गया, उसे कोई चीज हो गई, सब समय समस्या लगी हुई। तो ऐसे ही नारद जी को ये समस्या हुई, उनको व्यास जी को, किंतु अपने नहीं फील कर रहे। आदमी रोगी होने पर अपने रोग का निर्णय नहीं कर पाता, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, एक्सपर्ट के यहाँ। वी कैन डिसाइड दैट व्हाट इज प्रॉब्लम इन माय बॉडी, वी विल हैव टू गो टू एनी एक्सपर्ट डॉक्टर, अदरवाइज इन अ वेरी बिग हॉस्पिटल दे विल चेक एवरीथिंग एंड देन दे विल डिसाइड दैट दिस इज द। सो उन्होंने कहा, जी गुरुजी आपके चरणों में आया, अब बतलाइए हमारे अंदर में क्या चीज़ की कमी है, मैं नहीं समझ पा रहा। ऐसे ही शिष्य को चाहिए, नहीं समझता कि हमारे अंदर में क्या कमी है। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर में एक कमी है, तुमने सब कुछ कर लिया, पूरा सब कुछ हो गया तुम्हारे जीवन में, किसी चीज़ की कमी नहीं, एक चीज़ की कमी है, तुम बंसी बारे कृष्ण को राधा जी को नहीं कुछ लिखा कहीं शास्त्र में, जो यही भगवानों के भी भगवान हैं और उन्हीं से राम, उन्हीं से नारायण, उन्हीं से सब कुछ, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से ही निकले हुए हैं, उन्हीं से प्रकाशित होते हैं, और उनकी वृंदावन की जो लीला रसमयी लीलाएँ हैं, इसका वर्णन तूने नहीं किया, यदि ये कर देगा तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। व्हाट आई टोल्ड दैट नारद ऋषि टोल्ड, व्हाट आई टोल्ड Nal told that you have done everything, but you not describe in your spiritual books that Krishna is supreme personality of Godhead. You never mention it. If you mention that Krishna is supreme personality of Godhead, Ram, Lord Ramchandra and Narayan, everyone in come from Krishna, then all problem will be solved. Why you are unhappy? If you describe all these things, then you will be happy immediate. No problem will fall, rest for you. Also, you have not explained Braj Leela pastime. Having taken birth in as a son of Nanda and Yashoda, cowherding with his Gopal Sakha, playing with gopis, sometimes giving his head on the lotus feet of Srimati Radhika. आपने ये नहीं लिखा कि गोपियों को आप मनाने के लिए कृष्ण अपने सिर को उनके चरणों में दे देते हैं। स्वयं भगवान होने पर भी, सर्वशक्तिमान होने पर भी, किंतु प्रेम दोनों को ना चाहता है। वृंदावन में प्रेम ही व्यक्तित्व प्रेम का है। राधा और कृष्ण दोनों को ना चाहता है, सभी लोगों को ना चाहता है, भक्तों को ना चाहता है, वृंदावन को ना चाहता है, ये प्रेम। हम उस प्रेम को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं, सुख और शांति नहीं होगी। यदि प्रेम चाहते हो कृष्ण के चरणों में, राधा जी के चरणों में वैसा, तो कृष्ण को अपना सखा, अपना बेटा, अपना प्रियतम मान करके उनकी सेवा करो, देखो ये सब समस्याएँ दूर हो जाएंगी। इसलिए कृष्ण को ग्वारिया का लड़का मत समझो, साधारणिक बंसी वाले मत समझो कृष्ण को, और अपने हृदय का सारा प्यार उनके चरणों में उड़ेल दो, यदि सुख और शांति चाहते हो। 50 मिनट हो गया है, तो इस तरह से उन्होंने कहा, यदि चाहते हो सुख और शांति, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड टू बी कंप्लीट in knowledge, complete in everything, then you will have to love and affect Krishna, and you will have to describe it in any book. Then he told that I don't know anything about this. मैं इसके संबंध में कुछ नहीं जानता, जो कृष्ण का ब्रज में कैसे जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे उन्होंने लीलाएं की, मैं कैसे लिखूँ। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योगे इन मनसा सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पूर्णम पूर्णम मायांच जद अपाश्य।
भक्ति योग पर चुपचाप बैठ गए। हे कृष्ण, मैं तुम्हारे चरणों में शरणागत होता हूँ। तुमने वृंदावन में जैसी जैसी ग्वारियों के साथ में लीलाएं की, सखाओं के साथ में लीलाएं की, किस प्रकार से ब्रह्मा को मोहित कर दिया, इंद्र को मोहित कर दिया, वायु वरुण सबको, शंकर को मोहित कर दिया, वो सब लीलाओं का मैं दर्शन कर सकूं। वह चित्त स्थिर करके समाधिस्थ हो गए। ये शरणागति ही भक्ति योग का प्रारंभ है। कृष्ण मैं कुछ नहीं जानता, मैं सब प्रकार से मूर्ख हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम टेकिंग योर लोटस फीट शेल्टर। यदि ऐसा शरणागति हो जाएंगे, कृष्ण अपने आप सब कुछ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सुखी की कुंजी गीता में है, तुम्हारा जैसा है, हम जैसे हैं तैसे हैं, आपके चरणों में हम शरणागत होते हैं। व्हाट आई एम नथिंग, जीरो, बट आई एम ऑफरिंग माई सेल्फ इन योर लोटस फीट। तब कृष्ण कृपा करके सब कुछ उसके हृदय में भर देंगे, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ नहीं आता है, हरे कृष्ण यही कह करके उनको प्रणाम कर ली। कृष्ण तुम मेरे प्यारे सखा हो, मेरे जीवन के आधार हो, तुम ही हमारे सर्वस्व हो। ये कहने में क्या लगता है, पैसा लगता है, न रुपया लगता है, न ऑफिस जाने में कोई कमी होती है, न क्या होता है, न रसोई बनाने में ही बाधा विघ्न आती है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जगते फिसलते हुए भी छींक देते समय में भी भगवान का नाम राम राम कृष्ण ले सकते हैं, इसमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं। जैसे अजामिल यहाँ पापी होने पर, दुराचारी होने पर भी भगवान का नाम लेकर के मुक्ति पा गया, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते। इवन अजामिल वेरी बैड पर्सन, अनक्वालिफाइड, सो लस्टी, बट ही ओनली वन ही चैंटेड वन नाम, नारायण नारायण, एंड ही क्रॉस डेथ एंड सॉरोज एंड सफरोज फॉर एवर। इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं। अब 50 मिनट करीब करीब हो गया, मुझे बोलते हैं हम लोगों ने डॉक्टर ने मना किया, इधर थोड़ा सा कीर्तन कीजिए, इसके बाद में कीर्तन तो करो, फिर कल हम लोग वहाँ पर चलेंगे। कहाँ पर चलना है, मंदिर है या हॉल है? मंदिर के साथ ही हॉल है। बहुत अच्छा। जय जय राधा राम मन हरि बोल, ये उठा दिया था। जय जय राधा राम, 8 बजे गए थे। मन हरि बोल, हरि हरी बोल, 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 हरी बोल,
सभी लोग है प्रसाद फ्रॉम महाराज जी ओन हैंड्स ब्लेसिंग्स एंड नाउ फॉर ऑल द डिवोटीज हु आर स्टेइंग एट किंग्स मेंशन ब्रिंग यू बैक टू the King's Mansion apartment. So tomorrow morning at 9:30 sharp, the bus will be little earlier there, but you please leave yourself at 9:30 in the morning so that you can be there by 9:50 or 10 o'clock. And this program will continue to be the same as from 6 to 8. We'll try to maintain timings in the evening. So you are cordially welcome to attend the program. And for all the devotees who are staying at King's Mansion and other devotees, the prasad will be at King's Mansion. So immediately after that, you are all requested to join for prasad at the apartment in King's Mansion there. Yes, now. Thank you. Thank you.
I'm going to go to the window. 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 I'm going to go to the